हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसी मान्यता प्रचलित है जिनका एक अलग और विशेष महत्व होता है। जब भी कोई पूजा पाठ विधि विधान से किया जाता है तो उसमें कई बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो वहीं जब जब भी घर में कोई बड़ी पूजा या हवन किया जाता है तो यज्ञ जरूर किया जाता है। और आपने देखा होगा कि यज्ञ में आहूति देते वक्त स्वाहा बोला जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि आखिर हवन करते समय स्वाहा क्यों कहा जाता है? तो चलिए बताते हैं आपको अपने इस रिपोर्ट में कि हवन करते वक्त स्वाहा की वजह क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि घर में यज्ञ करवाने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। तो वहीं ऐसा माना जाता है कि स्वाहा अग्नि देव की पत्नी है, इस वजह से हवन में आहुति देते समय स्वाहा मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो वहीं ऐसा माना जाता है कि पूजा हवन को सफल तब तक नहीं माना जाता जब तक कि हवन का ग्रहण देवता ना कर ले। इसी के साथ ही देवता ऐसा ग्रहण जबकि अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए, जिस पर आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी जिसकी शादी अग्नि देवता के साथ हुई। अग्नि देव अपनी पत्नी हवन ग्रहण करते हैं तथा उनके माध्यम से यही हवन आवाहन किए गए देवता को प्राप्त होता है। तो वहीं आपको बता दें कि एक दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पवमान और शुचि नामक तीन पुत्र हुए थे। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वाहा को वरदान दिया था, उसके नाम से देवता भविष्य को ग्रहण कर पाएंगे, इसलिए हवन के समय स्वाहा मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि हवन में बिना स्वाहा कहे पूजा हवन को सफल नहीं माना जाता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से श्रुति की रिपोर्ट।